हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको लेटर किस तरह से लिखना है। देखिए, बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में जो आप लोगों का माइनर इंग्लिश है या फिर इलेक्टिव इंग्लिश है, वो है क्रिएटिव राइटिंग। और उसमें भी कई तरह के लेटर्स आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और उसके अलावा देखिए, सभी क्लासेस में, चाहे 9, 10, 11, 12, सभी क्लासेस में लेटर ज़रूर आता है पेपर में। तो जो भी स्टूडेंट्स को अभी तक ये नहीं पता कि लेटर किस तरह से लिखना और हमें लेटर पूरा पूरा याद करना पड़ता है, तो देखिए आज की वीडियो में ना कुछ आपको ऐसे फिक्स लाइंस बताने वाली हूँ। आप उन फिक्स लाइन को याद कर लीजिए, उसके बाद आपसे जब लेटर लिखने को कहा जाएगा तो आप इजीली लिख लेंगे। देखिए, जो लेटर है वो मैं आपको बताऊंगी कंप्लेन लेटर किस तरह से लिखें। जो शिकायती पत्र होता है सोशल प्रॉब्लम पे, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, कुछ ऐसी फिक्स लाइन मैं आपको बताऊंगी जो आप याद कर लीजिए। उसके अलावा रही कि जो कंप्लेन आपको करना है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, तो वो आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा कि इनको या फिर मतलब किसी को मतलब कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो आपके इलाके के अधिकारी हैं, DM SP जो भी हैं, उनको अगर आपको कोई शिकायती पत्र लिखना है तो लिखिए, इस टॉपिक पर लिखिए, या सारी चीज़ें आपके पेपर में गिवन होंगी। अब देखिए किस तरह से क्या फॉर्मेट है और क्या फिक्स वो वर्ड्स हैं, लाइन्स हैं, जो आपको याद होगी तो आप इजीली कंप्लेन लेटर को लिख लेंगे। अब देखिए, सबसे ऊपर आपको पता है कि एड्रेस लिखना होता है, और ये एड्रेस होता है सेंडर का। देखिए, एड्रेस जो आपका है आप वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे खजुरी वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी कि खजुरी जो वाराणसी में है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो ये सेंडर का एड्रेस होगा। उसके ठीक थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके उसके नीचे आपको डेट मेंशन करनी है। जिस डेट में आप लेटर को लिख रहे हैं और भेजेंगे, वही डेट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनका डेलीगेशन लिखना है। आप DM को लिख रहे हैं उनका लिखना है, और उसके अलावा फिर उनका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इतनी चीज़ें लेटर में हो गई एकदम फिक्स, ये आप इतना याद कर लीजिए। फिर ठीक उसके नीचे थोड़ा सा आपको स्पेस छोड़ करके लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लेटर के अंदर। देखिए, सब्जेक्ट में आपको वही चीज़ लिखनी है कि किस टॉपिक पर आप ये पूरा लेटर लिख रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट इसी तरह से लिखना होगा, एक कंप्लेंट अबाउट। अब यहाँ पर आपको किस चीज़ पर आप कंप्लेन कर रहे हैं, देखिए ये चीज़ आपको मिलेगी आपके पेपर में क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होगा कि इसी प्रॉब्लम पे आप कंप्लेन कीजिए। तो आपको इतना याद होना चाहिए, एक कंप्लेंट अबाउट, फिर जो भी आपकी समस्या है आप उसको यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पे ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आप एक कंप्लेंट लिख दें, हमेशा कंप्लेंट लिखिएगा, टी लिखना होगा, कंप्लेंट। ओके, तो ये गलती मत कीजिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेंट लिख देते हैं एग्जाम में, तो एक कंप्लेंट लिखिएगा। ये सारी चीज़ें फिक्स वर्ड्स हैं आपके कंप्लेंट लेटर के। उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम है आप उसको लिखिएगा। उसके बाद आपको लिखना होगा डियर सर ऑब्लिक मैडम। आप किसी मैडम को लिख रहे हैं तो आप मैडम लिखिएगा, सर को लिख रहे हैं तो सर लिखिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इतना आप एकदम याद कर लीजिए, ये आपको हर हाल में लेटर में लिखना होगा। आप देखिए, जो समस्या है आपकी, सोशल प्रॉब्लम जो भी आपकी है, कि आपके इलाके में गड्ढे हैं, बारिश की वजह से पानी लग जाता है, या फिर क्या क्या समस्या है आपको, आप उसको लिखिएगा। अब देखिए कुछ फिक्स वर्ड्स, कुछ फिक्स लाइन। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स ए ब्यूरिंग चैलेंज ऑफ आवर लोकेलिटी। देखिए, आपको इस तरह लिखना है कि हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ब्यूरिंग चैलेंज ऑफ आवर लोकेलिटी, यानी हमारी लोकेलिटी, हमारे इलाके में जो समस्या है, जिस चैलेंज से हमारे इलाके के लोग होकर गुजर रहे हैं, तो हम उधर ही आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। विच हैज़ मेड आवर लाइफ अनकम्फर्टेबल,
वो समस्या जिसने हमारे जिंदगी को एकदम अनकंफर्टेबल बना दिया है। द प्रॉब्लम इज दैट, और वो समस्या यह है कि अब यहाँ पर देखिए, दो से तीन लाइन, जितने भी लाइन में आपकी समस्या होगी आपको वो लिखना होगा। तो इतना जब आपको याद रहेगा ना, तो आप ये समस्या इजिली लिख लेंगे, क्योंकि समस्या तो आपके पेपर में ही गिवन होता है। अब देखिए, जब वहां तक आप लिख लेंगे, जितनी आपकी समस्या थी वहां तक आपने लिख लिया, फिर उसके नीचे से आपको लिखना है, वी आर फेसिंग ए नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, और हमारे इलाके के लोग इस डिफिकल्टी को, इस कठिनाई को बहुत दिनों से फेस कर रहे हैं। इट इफ एक्शन इज नॉट टेकन इन टाइम द सिचुएशन विल गेट वर्स, अगर जो भी एक्शन है, जो भी कार्रवाई है समय पर नहीं की गई, तो जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा क्या है, बढ़ सकती है। तो देखिए, ये सारी जो लाइनें हैं ना, तो आपको इसी तरह से लिखनी होगी। समस्या मैंने आपको बता दिया है किस तरह से लिखनी है। तो यहाँ तक आप लिख के फिर एक लाइन नीचे से लिखिएगा, देयर फॉर, यानी इसीलिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट एक्शन इन द मैटर। फिर आपको लिखना होगा कि मतलब जल्दी से इस मैटर पे, इस समस्या पर कोई एक्शन लीजिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सच ऑफ एक्शन। यहाँ तक हो जाएगा आपका लेटर, कंप्लेंट लेटर एकदम कंप्लीट। अब उसके नीचे आपको लिखना होगा योर्स फेथफुली, फिर जो भी नाम है नाम लिखिएगा, सिग्नेचर यहाँ पे करिएगा, नाम लिखिएगा, उसके बाद आपका कंप्लेंट लेटर पूरी तरह से कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स, बस इतने, ये जो भी फॉर्मेट मैंने बताया, जो भी फिक्स लाइन आपको बताई है कंप्लेंट लेटर की, आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो इसी तरह से आपको पूरा लिखना होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो या कीजिए कि लेटर हम किस तरह से करेंगे। चीज़ें बहुत सिंपल हैं अगर आप इनको अच्छे से समझ कर करें तो। तो आई होप आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आ गया है और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए वीडियोज़ को। और देखिए स्टूडेंट्स, आगे और भी जितने टाइप के लेटर्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको लिखना बताऊंगी, जैसे जॉब एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, रिजाइनेशन लेटर हो गया, रिट्रेजल लेटर हो गया, उसके अलावा और भी कई तरह के लेटर्स हैं, एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से लिखना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।